पहले की बात है मित्र, महान कोसल राज्य पे रघुवंशी राजा दशरथ का शासन था। महातेजस्वी राजा दशरथ अपनी तीन रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को चार बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। इतनी प्रसिद्ध कि महर्षि विश्वामित्र ने भी अपने यज्ञ को राक्षसी ताड़का के हाथों से बचाने के लिए राजा दशरथ से श्री राम को ही मांगा। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर का लक्ष्य था महादेव शिव के विराट धनुष सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ाना। बड़े बड़े महारथी धनुष को हिला भी नहीं पाए। बचपन में जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता
खेल खेल में ही उठा लेती थी, क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना भी किसी क्षत्रिय के वश में नहीं रहा? क्या संसार में कोई नहीं जो सुनाब की प्रत्यंचा चढ़ा सके? मैं मिथिला नरेश जनक अत्यंत दुख के साथ अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूं, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई पुरुष नहीं जो सीता के योग्य हो। ठहरो, धरती वीर पुरुषों से रिक्त नहीं। जब तक दशरथ पुत्र है तब तक तो नहीं, ताड़का का वध किया है मेरे भैया राम ने। सीता विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हो गई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का विवाह सीता की बहनों क्रमशः उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति से हुआ। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं थी। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगी। राजा दशरथ भी वृद्ध हो चले थे। कैकेयी, मैं सोचता हूं राम को उत्तराधिकारी बनाकर राजकाज से मुक्ति पा लूं। अति उत्तम विचार है महाराज। यही उपयुक्त समय भी है कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करें, और राम इसके लिए सबसे योग्य है। लेकिन भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल गए हैं। तो क्या हुआ, राम उनका बड़ा भाई है। फिर राम तो सर्वगुण संपन्न है। मैं आज ही घोषणा करता हूँ। सुनो सुनो सुनो, समस्त अयोध्या वासियों को ये शुभ समाचार है कि महाराजा धीरा दशरथ ने युवराज राम के अयोध्या की होने वाली महारानी को मेरा अभिवादन। क्या बात है महारानी, मुझसे कोई भूल हुई? राजपुरुषों का क्या भरोसा, कल कोई और मुझसे सुंदर मिल गई तो वो महारानी बन जाएगी। ऐसा विचार क्यों आया सीते? मैं स्त्रियों का यह दुख समझता हूं सीते।
मैंने स्वयं अपनी मां को इस चक्र में फंसे हुए देखा है। सौत का डंक हर नारी के लिए विष ही होता है। तुम नहीं जानती सीता, मैंने बहुत पहले ही ये व्रत ले लिया था कि मेरी एक ही पत्नी होगी। संसार की कोई भी नारी मेरा ये व्रत भंग नहीं कर सकती। मेरे जीवन में एक ही स्त्री है और वो हो तुम। स्वामी, मैं भी प्रण करती हूँ कि सुख हो या दुख, सदैव आपके साथ ही रहूंगी। अब तो अभिवादन स्वीकार करो महारानी। परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर दी। ये आया सप्तम और ये जीता मैंने लक्ष्य, तू पुनः हार गई। हंस लीजिए रानी, जी भर के हंस लीजिए। पता नहीं आगे भविष्य क्या हो। क्या बोली तू? प्राणों का अभय हो तो बोलू रानी। कल मेरे राम का राज्य अभिषेक है, इस अवसर पे तो सबको अभय है। बोल, निर्भय होकर बोल। ये राज्य अभिषेक ही तो आपका दुर्भाग्य लाएगा। क्या बकवास करती है। मैं तो सदा आपका भला ही चाहती हूँ रानी, यहाँ आपके और भरत के अतिरिक्त मेरा है ही कौन। आपके विरुद्ध महल में षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? राम के राजा बनते ही कौशल्या और सुमित्रा आपसे गिन गिन कर बदले लेंगे। वो दोनों महाराज के आपके प्रति प्रेम से जलती हैं। नहीं नहीं, मेरा राम ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप राम राम भजती रहना और वो राजा बनते ही अपनी माँ के कहने पर आपको और भरत बेटे को राज्य से बाहर निकाल फेंकेगा। महाराज भी तब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको शमरासुर युद्ध का स्मरण है ना? महाराज का जीवन बचाया था आपने और उन्होंने आपसे दो वरदान मांगने के लिए कहा था। जो आपने उस समय नहीं मांगे, किंतु अब मांगने की घड़ी है। शीघ्र बोल, करना क्या है? ऐसा ही होगा, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र। वैसे 14 वर्ष ही क्यों, मृत्यु क्यों नहीं? नहीं नहीं रानी, राम लोकप्रिय है, प्रजा विद्रोह कर सकती है। 14 वर्ष में उसका यौवन बीत चुका होगा, सब उसे भूल भी चुके होंगे। और फिर जंगलों में तो राक्षस भी हैं, क्या पता राम का अंत उन्हीं के हाथों हो जाए। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भरत राजा बने। पिता के वचनों की रक्षा करनी है मां, मुझे अनुमति दे। मैं देखता हूं कौन आपके अधिकार छीनता है। मैं भरत का वध कर दूंगा। पिता सम्मुख आए तो उनका भी मैं शांत रहो।